सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। दमोह जिले के पथरिया में अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर बेचे जा रहे थे। छोटे गैस सिलेंडरों को दुकानों के बाहर प्रदर्शनी की तरह सजाकर रखा जा रहा है, क्योंकि इनकी रिफिलिंग भी आसानी से दुकानों में हो जाती है, जो एक जोखिम का काम भी है। दरअसल वार्ड क्रमांक 14 में गुरुवार को रात के समय त्रिलोक विश्वकर्मा के घर से 4 अवैध रूप से रखे घरेलू गैस सिलेंडर, जिनकी कीमत 8,000 रुपए बताई जा रही है, इन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर पथरिया पुलिस थाने लेकर आई। थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे के मुताबिक घर में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई और 4 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। साथ ही उनके पास गैस सिलेंडर संबंधी कागजात नहीं मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक त्रिलोक विश्वकर्मा है, 14 नंबर वार्ड में रहते हैं, स्टील फैब्रिकेशन का भी इनका काम है, और ये अवैध रूप से इनके पास सिलेंडर रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, और शायद ये अपने स्टील फैब्रिकेशन के काम में बिल्डिंग वगैरह में इसका अवैध रूप से इस्तेमाल करते थे। सूचना पे इनके यहाँ छापा मारे थे, इनके पास से 4 सिलेंडर कीमती 8,000 रुपये मिले थे, जिनको जब्त करके ईसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अपन ने इसको जब्त किया है। आगे कार्रवाई की जा रही है, और इसमें पूर्व में भी 2-3 कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय का अभियान है, इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डीपी साहब महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी ये कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी, जिससे आने वाली दुर्घटनाओं में लगाम लगाया जा सके। पथरिया से आफताब खान, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।